ये समझ बहुत कम लोगों को होती है जो बिहार को है, और इसलिए बिहार के लोग जब वोट करने जाते हैं तो पहले पक्का देखते हैं, भाई वोट तो डालूंगा लेकिन मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। वो सोचता है जिसकी सरकार बनना पक्का है वोट तो उसी को डालूंगा। प्रधानमंत्री आए, गृह और रक्षा मंत्री की भी सभा हुई, लेकिन एक अकेला पवन सिंह एनडीए के तमाम बड़े नेताओं पर भारी पड़ता दिखा। जितनी भीड़ मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की अलग अलग सभाओं में मिलकर उमड़ी, उतनी तो अकेले पवन सिंह की तमाम रैलियों में दिखी। कुल मिलाकर काराकाट में माहौल एकदम सेट लग रहा है, माहौल एक तरफा दिख रहा है, भीड़ कहानी ब्याह कर रही है, लेकिन हर बार भीड़ वोटिंग में तब्दील नहीं हो जाती है। हालांकि अगर भीड़ ने उसी हिसाब से वोट कर दिया तो काराकाट का नाम इस बार गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होना तय है। काराकाट में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई मानी जा रही है। एक और इंडिया गठबंधन की ओर से राजा राम सिंह कुशवाहा है, जो शांति से बगैर किसी शोर के बीच अपना प्रचार कर रहे हैं, ज़्यादा शोर शराबे की जगह और नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। इलाके के लिए कुशवाहा पुराना नाम है, इस बार अपनी जीत के लिए वो निश्चिंत थे, सब कुछ फेवर में था। जातीय लिहाज से भी काराकाट में सवर्णों के बाद कुशवाहा का नंबर है। उपेंद्र कुशवाहा सवर्ण के साथ ही कुशवाहा और अति पिछड़ी और दलितों के भरोसे चुनावी नैया पार लगाने की प्लानिंग सेट कर चुके थे। तभी भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की काराकाट के रण में एंट्री हो जाती है। शुरुआत में पवन सिंह को लोग बटकटवा मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पवन सिंह ने हवा का रुख ही बदल दिया। जो माहौल उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में लग रहा था वो अब पवन सिंह के फेवर में आ चुका था, जिसके बाद बीजेपी के तीन शीर्ष नेताओं मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का प्रोग्राम तय करवाया गया। बता दें कि बिहार में काराकाट को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के तीनों शीर्ष नेताओं की एक ही लोकसभा सीट में सभा नहीं हुई। एक लोकसभा सीट पर एक से दो ही बड़े नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली, लेकिन काराकाट में तीनों शीर्ष नेता उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे। हालांकि जनसभा के दौरान पीएम मोदी से एक चूक हो गई। मोदी ने भरी सभा में कह दिया कि उनका गठबंधन उतनी सीटें जीत चुका है जितनी सरकार बनाने के लिए जरूरी है। साथ ही लोगों को यह तय करने को कह दिया कि उन्हें सत्ता के साथ रहना है या अपना वोट बेकार जाने देना है। पीएम मोदी की इस बात को पवन सिंह ने पकड़ लिया। पवन सिंह समर्थकों ने गांव-गांव जाकर लोगों के बीच प्रचारित करना शुरू कर दिया कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बन रहे हैं। ऐसे में अगर लोग पवन सिंह को ही वोट कर देते हैं तो मोदी की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। इस एनडीए के वोटों में बिखराव साफ दिख रहा है। पवन सिंह समर्थकों का कहना है कि 2009 में काराकाट के अस्तित्व में आने के बाद से अभी तक इलाके का किसी भी सांसद ने विकास नहीं कराया है। ऐसे में किसी के प्रति कोई सहानुभूति जनता में नहीं है। इस बार पवन सिंह के आने से इलाके की चर्चा देश भर में हो रही है। गूगल पर सबसे अधिक काराकाट को ही लोग सर्च कर रहे हैं। अगर पवन सिंह के चुनाव जीतने से पहले ही ऐसा माहौल है तो अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो इलाके का विकास तय है। हालांकि एनडीए नेता अभी पवन सिंह को नकली बता रहे हैं। उनका कहना है कि पवन सिंह नाचने गाने वाले हैं, जीत भी गए तो 5 साल तक इलाके में झांकने भी नहीं आएंगे। हालांकि आरोप प्रत्यारोप और दावे प्रतिदावे के बीच काराकाट में 1 जून को मतदान होगा। अभी तक हर नेता समीकरण को अपने पक्ष में बता रहा है। अब देखना होगा कि जनता किसके समीकरण पर भरोसा करती है। गाँव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।